क्या लोग आपको भी पागल सन की इडियट बोलते हैं या बोलने लगे हैं? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए, आप बिल्कुल सही राह पर हैं, क्योंकि ऐसा कुछ तो है जो लोग नहीं देख पा रहे हैं और आपको दिख रहा है। और चूंकि लोगों को नहीं दिख रहा है, तो निश्चित ही आप उनके लिए इडियट से कम नहीं हैं। मगर आप सही राह पर हैं। उठाकर देख लीजिए इतिहास को, और जितने भी इडियट पागल सन की हुए हैं, इन्होंने ही दुनिया को बदला है। जेम्स वाट, वो पागल का बच्चा चला था दुनिया को पटरियों पर दौड़ाने के लिए। दुनिया ने बोला, आप मूर्ख है क्या, बुद्धि खराब हो गई है क्या? लेकिन लगा रहा अपने जमाने का पागल अपनी ही धुन में, और दिखाया ट्रेन को पटरियों पर दौड़ाकर। राइट ब्रदर्स, ये भी एक नंबर के सन की थे, पागल थे, इडियट थे। कहते थे इंसान को हवा में उड़ाकर दिखाएंगे। लगे रहे अपनी धुन में, कई बार चोट खाई, एक्सीडेंट भी हुए। लोगों ने बोला, एक नंबर के पागल हैं दोनों, खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे। लेकिन हुआ क्या, आज हम बेखौफ हवा में कलाबाजियां लगाते हुए जाते हैं। आज दुनिया शुक्रगुजार है इन पागलों की। हेनरी फोर्ड, एडिशन, आइंस्टाइन, एलन ट्यूनिंग, मार्क जुगरबर्ग, स्टीव जॉब्स और भी न जाने कितने पागल सन की हुए हैं। ऐसा ही एक पागल सन की एलन मस्क लगा हुआ है अपनी धुन में। कुछ साल पहले कहता था, ऐसा रॉकेट व्हीकल बनाऊंगा जो रॉकेट को स्पेस में छोड़ेगा और वापस भी आ जाएगा। जब 3 बार सफल नहीं हुआ तो लोगों ने कहा, कमाल का सन किया यार, अपना सारा पैसा डुबो दिया, इतने में तो आसानी से जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन क्या हुआ, 4थी बार में सफल हुआ और दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने उसके एफर्ट को सराहा। अब इस पागल के बच्चे को नई सनक चढ़ी है। बोलता है, जमीन से जमीन पर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ज्यादा गाड़ी को दौड़ाऊंगा। कहता है, इंसान को मंगल पर पहुंचाऊंगा। दोस्तों, यकीन मानिए, ये जो लोग दुनिया को पागल लगते हैं ना, सही में पागल होते हैं। क्योंकि पागलपन की धुन से कम में काम नहीं चलेगा, इससे कम में बात नहीं बनेगी। जुनून की हद तक खुद को पहुंचाना होगा, तभी सफलता हाथ लगेगी। और वो सफलता ही क्या जो आसानी से मिल जाए। अगर आपके घर में, रिश्तेदारी में, गांव में, समाज में, चारों तरफ लोग आपको बोलते हैं कि भैया ये तो पागल हो गया, पता नहीं किस धुन में लगा रहता है, ना खाने का पता है, ना सोने की सुध है, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचने का आधा रास्ता तो पार कर ही चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। चैन से बैठिए और उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपको उत्साहित करती हैं। आपके अंदर उन्हीं चीज़ों की धुन बढ़ाइए और यकीन मानिए, आपको अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। और तब तक लगे रहिए जब तक लोग आपको पागल न कहने लगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे साथ साझा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।